नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। देखिए, सवाल यह नहीं है कि दुनिया में फैले वायरस का अंतिम निचोड़ किसके पास होगा। सवाल यह भी नहीं है कि वायरस रोधी वैक्सीन कब तक सुलभ होगी। सवाल यह भी नहीं है कि अगर वैक्सीन बनी तो इसका निर्माण कहां होगा। सवाल अगर है तो यही है कि जो भी देश इस वायरस रोधी वैक्सीन के अनुसंधान में जुटे हैं वे इसमें कितनी पारदर्शिता बरतेंगे और नियमों का किस हद तक पालन कर पाएंगे। यह सवाल इसलिए भी बड़ा बन गया है क्योंकि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के सफल होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अक्टूबर महीने से वैक्सीनेशन की मुनादी भी कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक शुरुआती चरण में वैक्सीन का टीका स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों और सीनियर सिटीजन को लगाया जाएगा। अगले साल जनवरी 2021 से पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रूस ने अपने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 के नाम पर कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम रखा है। रूस ने इस वैक्सीन को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं और आनन फानन में इस वैक्सीन को लॉन्च करके दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश की है। रूस यह भी दावा कर रहा है कि भारत समेत एशिया के कई देश और लैटिन अमेरिकी देशों ने वैक्सीन की उससे डिमांड की है। रूस का यह भी दावा है कि कुछ देशों के साथ उसकी डील भी हो गई है। पर हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी भी अधूरा है, जिसे सऊदी अरब, यूएई और भारत में करने की बात कही जा रही है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने रूस से उसकी वैक्सीन को लेकर कोई मांग नहीं की है। केवल भारत ने ही नहीं, किसी भी देश ने रूस की वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सीधी सी बात है, रूस दुनिया को वैक्सीन की बजाय गोली दे रहा है। भारत में खुद 30 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। पिछले दिनों हुए दूसरे चरण के ट्रायल में भारत बायोटेक और जाइडर कैडिला को बड़ी सफलता मिली है। 15 जुलाई को वैक्सीन की पहली खुराक को कोरोना वायरस उम्मीदवारों को दिया गया है। इस वक्त भारत में कुल 12 जगह पर मानवीय ट्रायल चल रहा है और सभी अलग अलग स्टेज में काम जारी है। अब इसका आकलन कोई भी कर सकता है कि जब भारत खुद वैक्सीन के उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है, वह रूस से उसकी वैक्सीन क्यों खरीदेगा? वह भी तब जबकि रूस ने वैक्सीन के उत्पादन से पहले की सारी औपचारिकताओं को हड़बड़ी की भेंट चढ़ा दिया है। यानी रूस की वैक्सीन फिलहाल प्रमाणित और भरोसे के काबिल नहीं कही जा सकती है। जबकि भारत या अन्य देश जिन वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तयशुदा चरणों से गुजारा जा रहा है। रूस ने इन सभी की धज्जियां उड़ाई है। यानी रूस ने इसे भी मुल्लाओं का खानदानी दवाखाना बना दिया है, जिसके बाद रूस की जगह सही तो होगी, इसका बड़ा खामियाजा भी उसकी जनता को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी जिस तरह अपना आकार बढ़ा रही है, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ाए हुए हैं। पूरी दुनिया में 2,25,00,000 से ज्यादा लोग वायरस से प्रभावित हैं, जबकि 7,45,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया की 213 के करीब कंट्रीज वायरस की चपेट में है। ऐसे में हर मुल्क चाहता है कि जितनी जल्दी हो कोरोना वायरस की वैक्सीन उन्हें मिल जाए। भारत समेत 12 से अधिक देश वैक्सीन की खोज में रात दिन लगे हुए हैं। इनमें से जो भी देश सबसे पहले कोरोना की पेटेंट वैक्सीन इजाद करेगा, दुनिया उसे ही नमस्ते करेगी। रूस ने इसी हड़बड़ाहट में मंगलवार को स्पुतनिक 1 वैक्सीन की घोषणा करके पूरी दुनिया को एक साथ चौंका दिया। रूस का ऐसा करने का मकसद दुनिया में कोरोना का सफल इलाज देने की बजाय अपनी धाक का प्रदर्शन ज्यादा है। दुनिया की हालत यह है कि उसे कोरोना का कोई भी निदान मिल जाए वह उसे ही खरीदने के लिए बेचैन है। रूस कहीं ना कहीं देशों के इसी आवेश का फायदा उठाने की कोशिश में था, इसलिए कि रूस की यह प्लानिंग अब पाकिस्तानी मुल्लाओं के नया पाकिस्तान वाली हालत में जा रही है। रूस की वैक्सीन पर भारत ने तो इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वह एक मित्र राष्ट्र है, मगर अमेरिका और जर्मनी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इसे बिना परीक्षण के चरण पूरा करने वाली खतरनाक वैक्सीन करार दिया है। जबकि सबसे बड़ा बयान विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आया है, जिसमें उसने इसे खतरनाक वैक्सीन कहा है और इसे किसी भी रूप में विश्वसनीय नहीं माना है। जबकि इसके उलट रूस बड़े बड़े दावे कर रहा है, पर सवाल यही है कि किसी भी दावे के धरातल पर उतरने के बाद ही उसके परिणाम सामने आते हैं। रूस ने वह डेटा भी सार्वजनिक नहीं किया जिन चरणों से इस वैक्सीन को गुजारा गया है। जानकर हैरानी होगी कि रूस ने फरवरी 2020 में वैक्सीन पर रिसर्च शुरू की थी, जिसे उसने मात्र 5 महीने में न सिर्फ खोल डाला बल्कि उसके वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया है। जबकि किसी भी वैक्सीन के निर्माण और ट्रायल में 2 साल का वक्त लग जाता है। यदि इस पर 24 घंटे लगातार काम किया जाए तो 12 से 16 महीना लगना लाजमी है। चौंकाने वाली बात यह है कि एड्स के रोग की वैक्सीन आज तक ना रूस बना पाया और ना ही दुनिया का कोई अन्य मुल्क बना पाया है, जबकि वैज्ञानिक 1 दशक से इस बीमारी पर रात दिन रिसर्च कर रहे हैं।
पर रूस ने कोरोना की वैक्सीन मात्र 5 महीने में बना डाली। भारत के लोगों के लिए गर्व की बात होगी कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां रूस या चीन के मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बड़ा कद भी रखती है। भारत की बायोटेक और जाइडस कैडिला चाहती तो यही काम 1 महीने पहले कर सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर भारत के मेडिसिन उद्योग की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है। हालांकि बीच में चर्चा चली थी कि भारत 15 अगस्त को वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, परंतु भारत ऐसी हड़बड़ाहट में नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि वैक्सीन कोई भी बनाए उसके उत्पादन के लिए उसे भारत का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। भारत के पास वैक्सीन के उत्पादन का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके बिना कोई भी देश बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। भारत वैक्सीन के लिए रूस या अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में मानवीय ट्रायल से गुजर रही वैक्सीन सफलतम इलाज में शामिल होने वाली है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन अपने प्रत्येक चरण में 100% कामयाब रही है। खास बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन पहले 2 चरणों को रूस से पहले पूर्ण कर चुकी है। भारत में रूस के साथ ही वैक्सीन पर रिसर्च शुरू हुई थी और दोनों ही देशों के वैज्ञानिक लगभग समान वक्त पर साथ चले हैं, मगर रूस ने हड़बड़ाहट दिखाई और वैक्सीन लॉन्च करने का ढिंढोरा पीट दिया। बड़ी बात यह है कि सेकंड फेज के ट्रायल के बाद ही रूस ने मुनादी करना शुरू कर दिया था, जबकि जानवरों पर किया जाने वाला परीक्षण और मानव परीक्षणों में काफी बड़ा अंतर होता है। दोनों के डीएनए और एंटीबॉडीज विकसित करने की प्रक्रिया और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में काफी फर्क होता है। किसी वैक्सीन के जानवरों पर सफल परीक्षण को सफलता के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता है, इसके लिए बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल का होना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के सभी इंसानों के लिए एक ही वैक्सीन को कारगर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अधिकतर देशों का वातावरण और खान पान बहुत अलग है। ऐसा तभी मुमकिन होता है जब किसी वैक्सीन का दुनिया के ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया जाता है। रूस ने स्पुतनिक वन का मानवीय ट्रायल केवल रूस में ही किया है। इसके लिए कितने उम्मीदवारों को शामिल किया गया, इसका सही सही आंकड़ा रूस ने नहीं बताया है। कमाल की बात यह है कि रूस ने वैक्सीन की घोषणा के बाद सऊदी अरब, यूएई, भारत में मानवीय ट्रायल की बात कही है, यानी रूस के दावे में झोली झोल है। इसलिए स्पुतनिक वन पर दुनिया खुश होने की बजाय सवाल ज्यादा उठा रही है। यह सवाल तब तक उठते रहेंगे जबकि कोई दूसरी विश्वसनीय वैक्सीन नहीं आ जाती है, और ऐसा करने का दम केवल भारत ही रखता है, क्योंकि भारत ईमानदार और विश्वसनीय दोनों है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करने के लिए भारत की अपनी अलग पहचान है। भारत जल्दी ही दुनिया को सबसे सस्ती और रामबाण वैक्सीन देकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।